दोस्तों, मेरा नाम है अर्पण सागर, आप मेरे चैनल देख रहे हैं टेक शो। आज हम जानेंगे दोस्तों जो Huawei Enjoy 9S के बारे में, उसका जो स्पेसिफिक फीचर्स, उसका लॉन्चिंग डेट, उसके MRP क्या हो सकता है, उसके बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना, फिर बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि मेरे लेटेस्ट सारी वीडियो आपके पास पहले पहुंचने के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं, मैंने पहले से एक जो Huawei Enjoy 9 के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बनाकर रखा दोस्तों, वो वीडियो आप आई बटन में देख सकते हैं दोस्तों। और आज हम जानेंगे जो Huawei Enjoy 9S के बारे में, उसका स्पेसिफिक फीचर्स पहले जानेंगे, उसके बाद MRP, उसके बाद उसका लॉन्चिंग डेट जानेंगे। पहले उसका स्पेसिफिक फीचर्स, पहले उसका डिस्प्ले, उसका स्क्रीन साइज बताया जा रहा है कि 6.21 इंच होगा। स्क्रीन का रेजोल्यूशन होगा 1080x2340 पिक्सल बताया जा रहा है। उसका जो एक्सपेक्ट रेशियो होगा दोस्तों 19.5:9 होगा। उसका बेजल डिस्प्ले आपको देखने को जरूर मिलेगा, बट वाटर ड्रॉप नॉच वाले डिस्प्ले होगा दोस्तों। उसके बाद जैसे पिक्सल डेंसिटी होगा 415 PPI, मतलब पिक्सल पर इंच होगा। उसका डिस्प्ले का टाइप बताया जा रहा है कि IPS LCD स्क्रीन बताया जा रहा होगा। उसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बताया जा रहा है कि 82.92% बताया जा रहा होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उसका परफॉर्मेंस थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। उसका चिपसेट बताया जा रहा है कि हाई सिलिकन किरिन 710 होगा। उसका CPU जो क्लॉक बेस्ड किया गया, ऑक्टा कोर 2.2 GHz क्वाड कोर कॉर्टेक्स A73 प्लस 1.7 GHz क्वाड कोर कॉर्टेक्स A53 होगा दोस्तों, बताया जा रहा है। और एक चीज बता दो, इसका आर्किटेक्चर बीट होगा 64 बिट। उसका जो GPU मतलब उसका ग्राफिक्स कार्ड जो बोलते हैं वो होगा दोस्तों, मान लिया G51 MP4 होगा दोस्तों। उसका RAM बताया जा रहा है कि 4GB RAM होगा। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बताया जा रहा है कि Android 9.0, मतलब आपको Android पाए आउट ऑफ द बॉक्स जरूर देखने को मिलेगा, ये बताया जा रहा है। उसके बाद एक चीज़ बता दूँ, इसका स्टोरेज थोड़ा जान लेते हैं। उसका स्टोरेज बताया जा रहा है कि इंटरनल होगा 64GB इंटरनल होगा। उसका एक्सपांड भी कर सकते हैं 512GB तक। बट इसमें आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें डुअल सिम का भी सपोर्ट है, प्लस आपको डुअल वोल्टेज का भी सपोर्ट है। बट इसमें हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलेगा, मतलब दो नैनो सिम लगा सकते हैं, नहीं तो एक नैनो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद कैमरा थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। इसे कैमरा बताया जाए कि रियर में होगा दोस्तों, ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा दोस्तों, जो 24+2+16 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। उसके साथ LED फ्लैश भी होगा। उसका ऑटोफोकस भी देखने को मिलेगा, बताया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों इसके इमेज का रेजोल्यूशन थोड़ा जान लेते हैं। इमेज का रेजोल्यूशन बताया जा रहा है कि 5288x3968 पिक्सल बताया जा रहा होगा दोस्तों। उसके बाद आप फ्रंट कैमरा थोड़ा जान लेते हैं। उसका फ्रंट कैमरा होगा दोस्तों 8 MP फ्रंट कैमरा होगा। बट मुझे एक चीज़ अच्छा नहीं लगा कि इसमें आपको सेल्फी कैमरा बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है दोस्तों। बट इसका MRP देख कर ही पता चलेगा क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं दोस्तों। उसके बाद थोड़ा बैटरी थोड़ा जान लेते हैं। बैटरी बताया जा रहा है कि 3400 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। बैटरी का टाइप होगा दोस्तों लिथियम-आयन होगा। उसके बाद थोड़ा मल्टीमीडिया थोड़ा जान लेते हैं। उसका लाउड स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगा दोस्तों, बट 3 ऑडियो जैक जो होता है 3.5 mm का जैक वो भी देखने को जरूर मिलेगा, बताया जा रहा है। उसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर बताया जा रहा है होगा दोस्तों, रियर में होगा दोस्तों। और एक चीज़ बता दो, इस फोन में सभी टाइप का सेंसर आपको बेसिक सेंसर देखने को जरूर मिलेगा, बताया जा रहा है। उसके बाद MRP थोड़ा जान लेते हैं। उसके MRP बताया जा रहा है कि 15,490 rupees, मतलब अराउंड 15,500 rupees अराउंड हो रहा है दोस्तों। उसके बाद उसका लॉन्चिंग डेट थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। उसका लॉन्चिंग डेट बताया जा रहा है कि 20 जून 2019 को हो सकता है दोस्तों। ये दोनों दोस्तों एक्सपेक्टेड है दोस्तों। एक चीज़ बता दो, इसका जो लॉन्चिंग डेट, इसके MRP जो बताया जा रहा है, दोनों दोस्तों एक्सपेक्टेड है। बट इसका जो प्रोसेसर, उसका जो डिस्प्ले और जो इसका कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा दोस्तों, जो 15,000 के अराउंड लेके आ रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है दोस्तों। मुझे लगता है ये वैल्यू पर मनी मुझे लगता है हो सकता है दोस्तों आज के लिए वीडियो इतने तक ही दोस्तों। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो कैसे लगा दोस्तों। आज के लिए वीडियो इतने तक ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।